दुर्वासा ऋषि प्रवास क्षेत्र में आए, तो कृष्ण के जो बेटे हैं सांब और उनके जो और भी सब मित्रगण हैं, जो और भी पुत्र पौत्र हैं, उन सब ने दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए। हमारे पिताजी बड़े कहते हैं संत ब्राह्मण आज भी परीक्षा लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं सांब जो है वो स्त्री बन गया, ऐसी स्त्री का रूप धारण कर लिया, पेट पे कपड़ा बांध लिया और दुर्वासा ऋषि के समक्ष पहुंचे। बोले हे मुनिवर, हमने सुना है आप बड़े त्रिकालदर्शी हैं, सबको जानते हैं, जरा बताइए हमारी हमारी ये घरवाली है, हमारी पत्नी इसके क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की। दुर्वासा ऋषि तो त्रिकालदर्शी है, पहचान गए कृष्ण के पौत्र हैं, पुत्र हैं। अच्छा, उनकी मति भ्रष्ट हो रही है, इसीलिए अब समय आ गया है, तो सब भगवान की लीला है। मैंने शायद पहले भी आपको ये बात बताई थी, क्या आपको याद हो, ये सब भगवान की प्री प्लान लीला है। भगवान का जब भगवान को अब अपनी लीला पूरी करने की इच्छा हुई तो दुर्वासा ऋषि के मुख से ऐसा वाक्य बताया, अरे कृष्ण प्रभु तो हमारी परीक्षा लेते हो, जाओ इसमें मूसल होगा और यही तुम्हारे विनाश का। और कहते हैं सांब के गर्भ से मूसल का जन्म हुआ, लोहे का मूसल, और कहते हैं वही विनाश का कारण बना। कहते हैं गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने कहा देखो कृष्ण को ये बात बताना नहीं तो गुरु को यही है काम बेकार कर देगा, बेकार का मतलब क्रोधित होगा कि मैंने संतों का अपमान किया, एक काम करो उसको यही घिस दो, घिस करके नष्ट कर दो, जब ही रहेगा नहीं तो नाश किससे होगा। कहते हैं पुत्रों ने मिलकर के बिल्कुल उसको घिसना शुरू कर दिया लोहे के मूसल को। कहते हैं मूसल को घिस घिस करके इतना सा रह गया था, छोटा सा टुकड़ा, कहते हैं बड़ा शार्प हो गया था, तीखा हो गया था, सोचा ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और कहते हैं तुरंत ही उसको समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं समुद्र में एक मछली ने उसको निकला, एक शिकारी ने मछली का शिकार किया, मछली को चीरा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला, सोचा इसको बाण पर लगाऊंगा तो शिकार करने में आसानी होगी। पहेली ने शिकारी ने उसको बाण पर लगा दिया, कहते हैं जिस दिन से श्राप लगा उसी दिन से पूरे यदकुल में कलह शुरू हो गया, आपस में एक दूसरे लड़ना शुरू हो गया, आपस में दूसरे को अस्त्र शस्त्र से मारने लगे। भयंकर हुआ, दो युद्ध बड़े भयंकर हुए, महाभारत का युद्ध और एक प्रभास क्षेत्र का बड़ा नरसंहार हुआ उसमें। कहते हैं आपस में दूसरे को मारने लगे, भगवान से सब देखा नहीं गया। कहते जब सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो जिस मूसल को घिस करके जो चूरा जो पाउडर बना था उससे एक ऐसी घास उत्पन्न हो गई जो तलवार जैसी लगती है। कहते हैं उसी से उसी तलवार को निकाल करके उस घास को निकाल करके दूसरे को मार दिया, विनाश का कारण तो बनेगा ही बनेगा। भगवान सोचने लगे अब समय नजदीक है, लीला पूरी करनी है। कहते हैं गुजरात की भूमि प्रवास क्षेत्र में सोमनाथ की बावन धरा पर पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान अब अपनी लीला पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं, लीला पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और कहते हैं उसी जंगल में वही बहेलिया जिसको मछली के पेट से जो तीखा टुकड़ा मिला था उसी चीज के टुकड़े को लगा करके शिकार करने के लिए बैठा है। एक हिरण भागा जा रहा है, हिरण भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के पीछे से गुजरा, शिकारी को लगा कि हिरण इधर भागा है, और कहते हैं उसने जोर से देखा तो एक कुछ चमक रहा था, भगवान के पैर का पद्म चमक रहा था, और कहते हैं पद्मराग बड़ी है भगवान के पैर में, वो पद्मराग बड़ी भगवान के पैर में चमक रही थी। शिकारी ने सोचा यही तो हिरण की आंख है, और कहते उसने बिना सोचे समझे तुरंत ही वो मार तुरंत ही भगवान के पैर के ऊपर, जैसे ही भगवान के पैर के ऊपर चलाया भगवान के पैर के अंदर इतना वो बाण घुस गया, भगवान के मुख से आह निकली। शिकारी भागा भागा गया और देखा क्या देख रहा है, द्वारकाधीश कृष्ण के पैरों में, अब तो क्षमा कहे मुझे क्षमा करो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान बोले तेरी कोई गलती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कर्म के बंधन से तो मैं भी बच सकता, तूने कोई अपराध नहीं किया, पहले अवतार में मैंने तुझे छुटके मारा था, आज तूने मुझे छुटके मारा, तो बात बराबर, तू तो हिसाब पूरा करने आया है। राम अवतार में जिस बाली को भगवान ने छुप करके मारा वही बाली आज बहेलिया बनकर के भगवान को मारा। कहते हैं वहां केवल और केवल भगवान है, उद्धव जी और मिलाते थे, ध्यान से सुन लो सब मेरी बात को, अब पांच मिनट के लिए सब साइलेंट हो जाइए, एकाग्र चित्र होकर के सुनिए भागवती वस्तुता की ओर। कहते हैं मां भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, पैर में तीर लगा हुआ है, पीपल के वृक्ष के नीचे समुद्र के किनारे एक तीन नदियां हैं, महाराज हिरण कपिला और